नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए एक कड़ा आंदोलन शुरू किया है। अपनी कड़ी मेहनत में बीजेपी एक बार फिर से जुट गई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने बीजेपी को यूपी में चुनाव में बड़ी जीत दिलाने का अधिकार दिया है। इस मिशन के तहत बुंदेलखंड दौरे पर झांसी पहुंची राज्य की पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने एक विपक्ष की हार के लिए बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहना है उनका, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के लिए यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कड़ी मेहनत एक बार फिर से शुरू कर दी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने ताकत झोंक दी है। इसी मिशन के तहत बुंदेलखंड दौरे पर झांसी पहुंची प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दावा किया कि यूपी में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और सरकार भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अमेठी से पहले तो लड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यदि वो लड़ेंगी भी तो जीतेंगी नहीं बल्कि हार जाएंगी। पत्रकारों के प्रियंका गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी की तो बात ही नहीं कीजिए, 2 साल में 5 बार आई हैं उत्तर प्रदेश में। आप बात कीजिए मुख्यमंत्री की, जिनके पिता का देहांत हो गया तब पहली लहर चल रही थी कोरोना की, वो देह संस्कार में नहीं गए। अभी कोरोना हुआ, 5-7 दिन वो एक एक वार्ड में घूमे। जरा देखें कि हमारी बहन जी किस किस वार्ड में गई, अपने परिवार का नाम लेकर या मोटरसाइकिल आगे पीछे लगाकर पॉलिटिक्स करने का जमाना बीत गया, अब ये राजनीति नहीं चलेगी। रीता बहुगुणा के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी कि ये लोग जनता से दूरी रखते हैं, जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं की बात सुनना इनकी आदत है, जन नेताओं से मिलना नहीं। चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पे बीजेपी सांसद ने कहा कि चुनाव को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं बताती हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आएंगी, लिख कर रख लीजिए। अमेठी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पहली बात तो वो लड़ेंगी नहीं, ये भी लिख कर रख लीजिए, ये लोग रिस्क लेते ही नहीं है। अब बताइए राहुल को देखिए, जिस अमेठी ने उनके पिता से लेकर आज तक साथ दिया, जब से चुनाव हारे लौट कर नहीं आए, ये पॉलिटिक्स है क्या? वहीं आम आदमी पार्टी पर रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि यूपी में किस पार्टी को वोट करना है। आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में सफेद हाथी की तरह साबित होगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि यूपी दिल्ली है क्या? यदि यूपी के 2 जनपदों को जोड़ दिया जाए तो दिल्ली बन जाएगी। यूपी 75 जिलों का जनपद है। जी हाँ, तो बीजेपी सांसद ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि आप और कांग्रेस ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगी और एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। खैर, किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।